इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस रास्ते से कई बार आप गुजरे भी होंगे। पुलिस की गश्ती भी यहां पर है, लोगों का आवागमन भी रहता है और गाड़ियों का 24 घंटे आवागमन ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं, और इसे अंदाजा लगाइए आप देख करके। जी हां, आपको बताते चले कि यह बिहार का डुमरिया घाट पुल है। डुमरिया घाट पुल जो कि अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कभी भी इस पुल पर बड़ी घटना हो सकती है, बड़े बड़े हादसों को निमंत्रण दे रहा है यह डुमरिया घाट का पुल। एटीएन लाइव के संवाददाता राजा गुप्ता आज निकले हुए डुमरिया पुल की तरफ और वहां का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि कम से कम जो जमीनी हकीकत है उसे दिखाया जाए और सरकार की आंखों तक पहुंचाया जाए ताकि सरकार इस पर कुछ पहल करे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से यास तूफान ने तबाही मचाई है उसको लेकर के बिहार और ओडिशा सहित कई राज्यों में जमकर उत्पात मचाने का काम किया है। कई जगह बड़ी बड़ी क्षति हुई है, कहीं मकान गिर गए हैं तो कहीं बड़े बड़े पुल और डाइवर्सन भी टूट गए हैं। और ठीक यही आलम है डुमरिया घाट पुल का। यह पुल गोपालगंज जिला और मोतिहारी जिला को जोड़ता है। कहा जाता है कि एक समय था कि बड़ी बड़ी जब घटनाएं होती थी तो डुमरिया पुल में ही ले जा करके फेंक दिया जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से सुशासन बाबू की सरकार आई, पुलिस की चौकसी बढ़ी, गश्ती बढ़ी और घटनाएं होने इस पुल पे कम हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह पुल किस तरह के तरीके से इसकी जो रेलिंग है, बाउंड्री है, पूरी तरीके से टूट गई है। कभी भी इस पुल को लेकर के बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार को चाहिए कि इस ओर ध्यान दे ताकि बड़ी घटना होने से बची जा सके। सामने एक दूसरा पुल आप देख सकते हैं, कुछ दूर तक के लिए वो पुल बना लेकिन तीन जो उसका पाया है वो पूरी तरीके से धस गया, जिसके वजह से आज तक नए पुल का निर्माण नहीं हो सका। ये जो पुल है जिसपे लोगों का आवागमन है, आप देख सकते हैं ये पुराना पुल है। किसी तरीके से इसको मरम्मती करा करके और इसका आवागमन इस पे चलाया जा रहा है, लेकिन कब यह पुल किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे दे यह कोई नहीं जानता। तो एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि हमारे संवाददाता राजा गुप्ता निकले हुए हैं और ये लगातार कवरेज दिखा भी रहे हैं जा करके कि क्या कुछ समस्या है बिहार में, क्या कुछ हालात हैं इस लॉकडाउन और कोरोना उसके बाद से यास को लेकर के। तो ये आपको फिर से हम बताते चले कि ये है डुमरिया घाट का जो पुल है, बहुत पुराना पुल है और इसकी जो रेलिंग है आप देख सकते हैं कि टूटी फूटी रेलिंग है, काफ़ी लंबा पुल भी है, कुछ बीच बीच में सड़कें भी जर्जर हैं और कभी भी यहाँ पर बड़ी हादसा हो सकती है। सरकार को चाहिए कि इस पर पहल करे और क्या कारण है कि अभी तक जो नया वाला पुल है इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। तीन पाया भले ही धस गया लेकिन उसके बावजूद काम क्यों रुक गया, इसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों का मलाल है। लोगों का कहना है कि डुमरिया घाट के हम लोग रहने वाले हैं और हम लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी है वो इस पानी में बह गई है पूरी तरीके से। सवाल यह है कि इस बार देखना है कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, क्योंकि पिछले बार की अगर हम बात करें तो बाढ़ ने जमकर उत्पात मचाया था, जमकर तबाही मचाई थी और अभी से हाल है अभी बाढ़ का समय भी नहीं है, लेकिन अभी से ही कुछ गांवों में देखने को मिल रहा है कि अभी से झुग्गी झोपड़ियां पानी में बहती दिख रही हैं। तो ये हाल है और ये डुमरिया घाट की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर कि डुमरिया घाट का जो पुल है उसके जो रेलिंग है, जो उसकी बाउंड्री है, वो बिल्कुल टूट चुकी है, जर्जर हो चुकी है।
पानी से तीन गो पाया भस गए। ऊपर पानी बहुत तगड़ा बा, ऊपर पाया औरते नहीं। और ये पुल कब से टूटा हुआ है? ये पुराना वाला? हाँ, ए साल बहुत हो गए, साल भर से टूटा हुआ है, दो साल से। ये तो पुल 24 घंटा इस पर आवागमन चलता रहता है, चलता रहता है, क्या टाइम ही नहीं मिल रहा। सरकार आखिर इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो सरकार को समझना चाहिए, सरकार का ध्यान देना चाहिए। तो ये नया वाला पुल एक बना था ना? जी, अभी तो इतने दूर बना हुआ है। तो फिर ये आखिर रुक गया क्यों? उधर रुक गया है, तीन गो पाया फंस गया, उस पर पानी बहुत हेवी है। इस पर तो कभी भी घटना घट सकती है। हाँ, घटना घट सकती है। देखिए, हम लोग का गाँव सारा ढह गया, हम लोग का गाँव ढह गया सारा। सरकार कोनो इसका व्यवस्था नहीं कर रहा कि हाँ ये लोग कहाँ रहेगा, हम लोग को कोई जगह जमीन देते। कौन सी नदी बहती है, कुछ पता आपको? ए, गंडक नदी है। कहाँ से कहाँ जाती है? ए, इधर भैंसा लोटन से आई है इधर। इस पुल का नाम आपको पता है? डुमरिया घाट। डुमरिया घाट।